हेलो वेलकम टू चैनल माइनिंग टॉपिक वाइज आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट 1952 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले कोई भी एग्जाम लाइक उन माइनिंग सरदार डी जी एम एस माइ इंस्पेक्टर का कोई भी एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है चलिए शुरू करते हैं तो आज का पहला क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ द माइन्स एक्ट नाइन एग्जाम सेक्शन रिगार्डिंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब एंड बिलो ग्राउंड तो हम लोग जानते हैं बिलो ग्राउंड में एट आवर्स हम लोग एक दिन में ड्यूटी कर सकते हैं और एब ग्राउंड में नाइन आवर्स तक ड्यूटी कर सकते हैं लेकिन माइंड सेट का कौन सेक्शन में उससे भी ज्यादा समय तक हम लोग दिया गया है कौन सेक्शन में ज्यादा ज्यादा हम लोग वहां पर और ग्राउंड में ड्यूटी कर सकते हैं भाई कोई इमरजेंसी केस होगा ऐसे में तो ऑप्शन नंबर ए है थर्टी सेवन सेक्शन ऑप्शन नंबर बी है थर्टी एट सेक्शन ऑप्शन नंबर सी है फोर्टी टू सेक्शन ऑप्शन नंबर डी है 48. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी

वर्किंग के लिए प्रोहिबिशन प्रोहिबिट दिया है लेकिन कोई कोई जगह में हम लोग वहाँ पर उन लोगों को प्रोड़, प्रोड़, मतलब अलाउ कर भी सकते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है 45 सेक्शन ऑप्शन नंबर बी है 46 सेक्शन ऑप्शन नंबर डी है सेक्शन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ये होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा ऑप्शन नंबर फोर्टी सेक्शन तो इसका कर ऑप्शन नंबर बी सेक्शन नंबर फोर्टी का अकॉर्डिंगली वुमेन का उस जगह पे

फॉलो नहीं हो रहा है बा लोकल कंडीशन बा उसका हैम्पर हो रहा है कौन सेक्शन का अकॉर्डिंगली चीफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो जगह पर रोक लगा सकती है ऑप्शन नंबर ए है सेक्शन नंबर 83 ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन नंबर 85 ऑप्शन नंबर सी है सेक्शन नंबर 87 ना ऑप्शन नंबर डी है एट्टी एट तो इसका कट आंसर होगा ऑप्शन नंबर

जो मैनेजमेंट कंट्रोल डायरेक्शन में और सुपरविजन में पार्टिसिपेट करता है ना ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं तो आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ड्यूटीज ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ओनर एजेंट और मैनेजर कम्स अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट 1952 तो माइंस एक्ट 1952 का अकॉर्डिंग ओनर एजेंट और मैनेजर का

फॉर बिलो ग्राउंड वन डे फॉर एवरी वन एवरी डैक्स डे ऑफ वो डे यहाँ पर नहीं लिखा गया तो सेक्शन फिफ्टी टू का अकॉर्डिंगली तो so, कोई भी आदमी जो जिसको एनुअल लीव वोजेस कितने पर uh, डे में कितने वन डे काम कर अगर तो चलेगा और बिलो ग्राउंड ऑप्शन नंबर ए है टेन डे ऑप्शन नंबर बी है सी है ट्वेंटी डे ऑप्शन नंबर डी है नान ऑफ दिस तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन डे फॉर एवरी मतलब पंद्रह दिन, दिन, तो दिन में वो एक दिन भी काम करेगा तो उसको एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगा और एभाव ग्राउंड में इसका होगा बीस दिन में वो एक दिन भी काम करेगा तो एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगा तो आज के लिए वीडियो इतना ही तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू